लोग स्टूडेंट बात कर रहे थे कल, कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बताई थी, उन्हीं परिभाषाओं की श्रृंखला में भी कुछ परिभाषाएं शेष हैं, मैं उनको आज आपको बता रहा हूँ। देखिए, हमको ये जनरल परिभाषाएं हैं, जो अपना जो पहला टॉपिक है वो जनरली है, उस जनरल के अंतर्गत हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें इस टॉपिक की कुछ और परिभाषा आएगी। उन्हीं परिभाषाओं में थी एक समावयवता, आइसोमेरिज्म। परिभाषा आप सबको पता है कि जब दो या दो से अधिक यौगिकों की अणुसूत्र समान, जब दो या दो से अधिक यौगिकों के अणुसूत्र समान तथा संरचनाएं भिन्न भिन्न होती हैं, भिन्न भिन्न होती हैं, तो वे यौगिक एक दूसरे के समावेदी तथा इस घटना को समावयवता कहते हैं। ध्यान दीजिए, सीधी परिभाषा है, अणुसूत्र समान, संरचना है भिन्न भिन्न, एक दूसरे के आइसोमर, दिस फेनोमेना इज आइसोमेरिज। इसका एग्जांपल है पॉइंट नंबर एक, दो उदाहरण देता हूं मैं। पहला उदाहरण है C4H10, यानी इसका अणुसूत्र कार्बन चार है और हाइड्रोजन टेन है। तो हमने कहा एक दो तीन चार, हमने चार कार्बन लिए हैं, फिर हमने कहा CH3 CH2 CH2 CH3। देखिए स्टूडेंट्स, हमने 3 2 5 2 7 3 10, यहाँ पर भी 10 हाइड्रोजन थे और हमने भी 10 हाइड्रोजन थे, यानी अणुसूत्र समान है तो इसकी संरचना भी समान हो गई। दूसरी स्थिति में हमने क्या, संरचना में परिवर्तन करना है। हमने क्या किया, CH3 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 CH। आप ध्यान दीजिए, 3 3 6 3 9 1 10, यहां पर भी 10 हाइड्रोजन, यहां पर भी 10 हाइड्रोजन, यहां पर भी 10 हाइड्रोजन, दोनों में डिफरेंस कहां है? ये हमारी एक नॉर्मल चेन है और ये हमारी एक आइसो चेन है। आइसो मतलब होता है जिसमें एक साइड चेन लगी हो, और साइड चेन वाली स्थिति को हम आइसो कहते हैं, और ये हमारी नॉर्मल चेन। तो आप देख रहे हैं कि अणुसूत्र समान है लेकिन दोनों संरचनाओं में डिफरेंस है। ऐसे यौगिक एक दूसरे के आइसोमर और उनकी इस स्थिति को आइसोमेरिज्म कहते हैं। मैं एक उदाहरण और बताता हूं आपको, C2H6O, यहां पर देखिए मैंने लिया CH3 CH2 OH। आप ध्यान दीजिए, CH3 CH2 OH, यहां पर कार्बन दो हैं, हाइड्रोजन 3 2 5 और 1 6 हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन 6 हैं। फिर मैंने इसकी दूसरी स्थिति आपको बनाई है, ये CH3 O CH3। आप ध्यान दे रहे हैं कि CH3 O CH3 बना हुआ है, कार्बन यहां पर दो हैं, हाइड्रोजन 6 हैं और ऑक्सीजन है, दोनों की संरचनाओं में अंतर है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्रियात्मक समूह में डिफरेंस है, तो ये दोनों संरचनाएं जो होती हैं एक दूसरे की आइसोमेरिज्म होती हैं, समावयवता को प्रदर्शित करती है। अगला पॉइंट है मेटल्स, धातु। मेटल्स धातु क्या है, जिनमें निम्न लक्षण पाए जाते हैं या जिन तत्वों में निम्न लक्षण पाए जाते हैं, धातु कहलाते हैं। देखिए मेटल्स हम लोग जानते हैं इसमें निम्न लक्षण होते हैं, नंबर एक धात्विक चमक, नंबर एक धात्विक चमक,
नंबर दो आघात वर्धनीयता, नंबर तीन सुघट्यता, नंबर चार तन्यता और नंबर पांच तनन सामर्थ। यानी कि वे सभी जिनमें धनायन बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है, धनायनों की स्थिति होगी और ये सभी लक्षण पाए जाएंगे। धात्विक चमक है, अधात्विक आघात वर्धनीयता है, सुघट्यता है, तन्यता है, तनन सामर्थ्य है। तो ऐसे सभी तत्व जो होते हैं वो धातु कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत जो अपने तत्वों की स्थिति है उन तत्वों में सर्वाधिक तत्व जो है वो धातु है। कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, जैसे सोडियम चूंकि एक धातु है, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, सब लिखना संभव नहीं है, फिर भी मैं कुछ लिख रहा हूं जो आपको ध्यान में है। इसी क्रम में अधातु नॉन मेटल की स्थिति ये होती है कि जिनमें धात्विक लक्षण नहीं पाए जाते वे सभी तत्व जो होते हैं वो नॉन मेटल कहलाते हैं। जिन तत्वों में धातुओं के समान लक्षण नहीं मिलते अधातु कहलाते हैं, किंतु ये भंगुर होते हैं। इनकी एक विशेष पहचान है, ये भंगुर होते हैं। जैसे कि आपने देखा है भंगुरता का अर्थ होता है कोई भी चीज जब हम उसको उस पर कोई हथौड़े से बार करें या किसी दूसरे पदार्थ से बार करें तो वो टूटने के साथ साथ टूटकर बिखर जाए। जैसा कि आप देखते हैं लैंप के शीशे को अगर आप पकड़े हुए हैं और आपने ऊपर से फर्श पर छोड़ दिया तो वो टूटेगा तो, लेकिन टूटने के साथ उसके बहुत सारे टुकड़े होंगे, छोटे छोटे टुकड़े होंगे। इस टुकड़ों को हम लोग कहते हैं बिखरने की क्रिया कहते हैं। तो वे पदार्थ जो टूट कर बिखर जाते हैं भंगुरता को प्रदर्शित करते हैं। इसमें जितनी भी गैसें हैं सभी गैसें इसके अंतर्गत आती हैं, अधातु के अंतर्गत। तो आप कुछ उदाहरण लिख सकते हैं, हमने कहा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस इत्यादि, क्योंकि गैसें बहुत हैं। पीरियोडिक टेबल में सभी गैसों को लिखना संभव नहीं है, फिर भी उदाहरण के तौर पर आपको ध्यान आना चाहिए कि जिनके अंतर्गत भंगुरता का गुण मिल जाए तो भंगुरता के कारण उनको हम अधातु कहते हैं। कौर स्थिति बचती है उपधातु। उपधातु जो तत्व कुछ लक्षण धातुओं के, जो तत्व कुछ लक्षण धातुओं के तथा कुछ अधातुओं के प्रदर्शित करते हैं। उपधातु कहलाते हैं। इसका अर्थ है कि इसके अंतर्गत यहाँ पर धातु और अधातु दोनों के लक्षण मिलेंगे और जब दोनों के लक्षण मिलेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। ये ध्यान रखने वाली बात है। और इसमें कुछ चीजें हैं वो मैं लिख दे रहा हूं। सिलिकन है, जैसे जर्मेनियम है, और आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, और भी है एक दो, फिलहाल मैंने इतने लिख दिए हैं। एक और बचता है मिश्र धातु।
सामान्यतः हम लोग जानते हैं मिश्र धातु, जब दो ठोस धातुएं मिलती हैं तो एक मिश्र धातु का निर्माण होता है, और वो मिश्र धातु का जो निर्माण होता है उसमें हम लोग कह सकते हैं पीतल है, कांसा है, जर्मन सिल्वर है, ठीक है। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु, जैसे पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर आदि, और भी है मिश्र धातु। तो आज हमने जो बात की है ये परिभाषाओं की बात की थी, इन परिभाषाओं को आपको याद करना है। कोई परिभाषा ऐसी है जो समझ में नहीं आती है तो आप न्यूज चैनल को कमेंट्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें और उस पर लाइक दें, और अपनी स्थिति बताएं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई है तो आपको बाकायदा फिर से दोबारा समझाया जाए। थैंक यू।